अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सन स्विचिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से बैक नेक की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। जैसे कि ये देखिए, मेरे पास दो कमीजें हैं। ये वाली कमीज मैंने खुद स्टिच की हुई है। इसका बैक नेक कुछ इस तरह से है, बारीक सा, यानी कि ये सिर्फ कपड़े से बना हुआ है। और ये देखें, ये है दूसरी कमीज है जो कि स्टिच्ड कमीज है। ब्रांडेड शर्ट्स का गला इस तरह से बना होता है, चौड़ा सा और पेपर पट्टी वाला। तो आज की इस वीडियो में हम इस तरह का गला बनाना सीखेंगे, पेपर पट्टी वाला चौड़ा सा। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जी, एक कमीज है, फ्रंट नेक बना हुआ है। अब हमने बैक नेक बनाना है। तो सबसे पहले फ्रंट नेक को यहाँ से माप लेंगे जो कि है 7 इंच, और दरमियान में से आ रहा है 6.5 इंच। अब इसको करेंगे फिलहाल साइड पे और ले लेंगे पेपर पट्टी। इसके ऊपर फ्रंट नेक का जो माप आया था 7 इंच, उसके हाफ पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि पेपर पट्टी डबल है। ये लग गया जी पेपर पट्टी के ऊपर गले की चौड़ाई का निशान, और फिर गले की गहराई के लिए भी 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1/2 इंच ऊपर कंधे की सिलाई में चला जाएगा और पीछे 3 इंच रह जाएगा। अब इसके बिल्कुल सामने भी 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और फिर यहाँ पर इन निशानों के हिसाब से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। इसके बाद इस कोने से इस तरफ 1.5 इंच माप का निशान लगाएंगे, और यहाँ से इसको राउंड शेप दे देंगे। अब इसके बाहर 1 इंच या फिर 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए निशान लगाते जाएंगे, और बाद में इनको मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, कटिंग हो गई है। अब हमने इसको एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर गर्म इस्त्री की मदद से पेस्ट कर लेना है। कुछ लोगों का मसला ये होता है कि वो जब गले को पेस्ट करते हैं तो उनका गला या तो ज्यादा खुल जाता है या फिर तंग रह जाता है। तो ये देखें, ये जो पीस है ये गले के अंदर से निकला था। पहले इसको हल्का सा पेस्ट करेंगे गर्म इस्त्री की मदद से, और फिर इस गले को इसके साथ रखेंगे और फिर से प्रेस करेंगे। अब दरमियान वाले पीस को उठा देंगे कुछ इस तरह से। ये देखें, अब इस तरह से करने से गला ना ज्यादा खुला रहेगा और ना ही तंग होगा। अब इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। ये देखें जी, कटिंग तो हो गई है। अब इस कपड़े को पेपर पट्टी के ऊपर फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखें जी, सिलाई लग गई है। अब इसको दरमियान से फोल्ड करके प्रेस करके एक तय बिठा लेंगे, और फिर दरमियान वाले पॉइंट को वाजह करने के लिए एक छोटा सा कट लगा देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद कमीज की बैक साइड को लेंगे। ये इसकी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड। कमीज को खोल कर रखेंगे और इसके ऊपर इस गले को रखेंगे। ऊपर से ये दोनों कट्स मिला कर रखने हैं। अब हमने पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। तो ये देखें जो सिलाई लग गई है। कमीज के फ्रंट साइड को लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। दोनों कपड़ों की सीधी साइडें आपस में मिली हुई होनी चाहिए। अब बैक साइड से गले को उठा के फ्रंट साइड वाले गले को इसके अंदर वाले सिलाई के साथ रखेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड से भी रखना है, और अब इसके ऊपर कंधे की सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए जी, सिलाई लगाते हैं। यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ पर डबल सिलाई करनी है। यहाँ पर भी डबल सिलाई करनी है ताकि यहाँ से मजबूत रहे। अब बैक साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। इसके बाद छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट जो है वो सिलाई को टच नहीं करने चाहिए। अब इसको टर्न करेंगे और खींचते जाएंगे। हल्का हल्का खींचते हुए इसको प्रेस कर लेंगे। अब इसके ऊपर इस जगह पर किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे, या फिर आप तुरपाई भी कर सकते हैं।
ये देखें ये बैक नेक रेडी हो गया है, बहुत ही इजी और सिंपल, बहुत ही नीट लुक का ये इस तरह से है, बिल्कुल ब्रांडेड शर्ट्स की तरह। इस साइड पर भी कोई भी सिलवट नहीं है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।